दगड़ियों मिल बोल छो कि ये कि पछड़ा कनपुड़दा कि जो यो मशरूम हों जंगली मशरूम हों तो बहुत बहुत नमस्कार सब दगड़ियों थे। और जन के आप सब लोग तो मालूम छा कि आजकल बरसात का टाइम लगे छा, तो यूँ बरसात का टाइम पर आजकल जंगलों में एक जंगली मशरूम हों जैक हम चौं बोल दें, पिरले चौं बोल दें हम। और आज हम पिरले चौं निकाली खा आप तो बता दें, बहुत अच्छी हुई जो बिल्कुल जैक हम ऑर्गेनिक बोल दें, ऑर्गेनिक दिखाना था मैं आप तक। ऑर्गेनिक जो बिल्कुल साफ, थोड़ा ताज तो आई सुन बहुत अच्छा होने चाहिए। बड़ी सावधानी से निकलना पड़ता है, यहाँ में एक रिस्क यू रहता कि जो सांप रहता, सांप ये पर बहुत ज़्यादा आता, ये तो खाना बहुत रिस्की भी दगड़े मिल बोल छो कि ये कि पछड़ा कनपुड़ दा कि जो यो मशरूम हों जंगली मशरूम हों ये थोड़ा सावधानी से खाना पड़ता। तो मैं एक आप थे पहचान बता दूँ कि जन एक हम तिल्ले चौ बोल दिया, तो ये तिल्ले चौ ही मिले हम, तो एक साइड बटे कि खही हुई मतलब ये पोरू नहीं था, पोरू में आते ही बता दी पोरू बिल्कुल रुचि बिल्कुल। और ये खही हुई इसका मतलब ये कोई पक्षी भी खा सकता, सांप भी खा सकता, और सांप पर बहुत ज़्यादा आंदा, तो यो थोड़ा सावधानी से खान पड़ता। और बिल्कुल ऑर्गेनिक हों बिल्कुल अभी होगा, तब अब जन बरसात लग गया तो ये बरसात में यू अभी आंदा और अभी यू होगा, बिल्कुल ऑर्गेनिक चा कुछ नहीं होनी मतलब ये में कोई जन आजकल लोग मशरूम उगाने से मशरूम को बनाए से लोग प्लांट बनाए से लोग मशरूम उगाने से यू इन कुछ नहीं जो जंगल में फेंको थे, बस ये थोड़ा चुन चुन के खाना पड़ता। यहाँ में कई जहरीले रहने कई कई इंड नहीं कई पर सांप जहर छोड़ देता, तो बहुत घातक उन लोगों को नहीं मिले आपसे ये पछड़ा बताया, ये तो सांप भी खा सकते कोई पक्षी भी खा सकते, लेकिन हम रिस्क नहीं लेना हमारे नहीं ले, हमें तो नहीं ले जा सकता। आप तो दिखाना चाहिए यो चा पिरुल बोल दिया मेरे को जो चिड़क पत्ता होने ना इंग्लिश में पाइन बोले जाने, ये देखा बहुत सुंदर ताजा बिल्कुल, लेकिन ये तो खाना बहुत रिस्क भी है। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो से लाइक करें सब्सक्राइब करें, धन्यवाद सब लोगों को।